आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को पालक उगाना बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में बहुत आसानी से पालक के बीजों से पालक को उगा सकते हैं। पालक लगाना बेहद आसान होता है, आप साल के किसी भी महीने में पालक को ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि इतना बड़ा ये प्लास्टिक वाला टब कैसे आप कम से कम मिट्टी में इस टब को फिल कर सकते हैं जो कि एकदम वेस्ट लेस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, पालक लगाने के लिए आप साल के किसी भी महीने में पालक लगा सकते हैं, चाहे विंटर हो, चाहे गर्मी हो या फिर मॉनसून हो, तीनों ही सीजन में पालक इजली लग जाती है। इसको लगाने के लिए देखिए ये इतना बड़ा प्लास्टिक का टब है जिसका यूज करने वाली हूँ, और इसमें देखिए इस तरह से मैंने मल्टीपल होल्स कर रखा। जब भी आप पालक लगा रहे तो किसी बहुत गहरे गमले का चुनाव ना करें। मेरे पास तो देखिए गमला भी नहीं है, मैं इस तरह से वेस्ट टब में पालक लगाना बता रही हूँ, क्योंकि पालक लगाने के लिए गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए होता है। शैलो पॉट का चुनाव करें क्योंकि पालक की जड़ें बहुत गहराई में नीचे तक नहीं जाती। इस तरह से देखिए ये प्लास्टिक का पॉट है तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल होल्स कर रखा है जिससे एकदम वेल ड्रेन रहे और जो भी वाटरिंग हो तो एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। फ्रेंड्स, इतना बड़ा टब भरने के लिए अगर आप इसमें मिट्टी भरेंगे तो पता नहीं कितनी ज़्यादा 50 किलो मिट्टी लग जाएगी, लेकिन मैं जो तरीके से आपको लगाना बताऊँगी एकदम वेटलेस के आप इस तसले को एक हाथ से इजली उठा सकते हैं बिना कोई भार के। देखिए नीचे नीचे जो भी इनके होल्स थे उन सब पे मैंने इस तरह ये पॉट के पीसेज हैं इनको तोड़ के रख लिया था। अब ये हल्की मिट्टी कैसे बनेगी वो बनाने के लिए देखिए ये है गार्डन से निकलने वाला कूड़ा कचरा। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज मैं करीब 13-14 दिन से मेरे गार्डन से जो भी कुछ निकल रहा था वेस्ट, इसमें बहुत सारी आपको पोर्चुलाका की कटिंग वगैरह, पोर्चुलाका प्लांट मिलेगा, कुछ देखिए इस तरह से ये जो कार्डबोर्ड के पीसेस होते हैं, गत्ते जिसे बोलते हैं, दफ्ती के डिब्बे, जो भी कुछ आप सामान मंगाते हैं तो उसमें ये निकलते हैं। तो ये सब एकदम हल्के होते हैं, इनका कोई वज़न नहीं होता, और आपका कितना ही बड़ा पॉट क्यों ना हो ये बहुत कम वेट में इजली भर जाता। और ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉट को भरने, ये दूसरा आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देगा, क्योंकि जब ये डिकम्पोस्ट होगा तो जो भी इसका न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में रिलीज करेगा और जो भी पौधे की जड़ें हैं उनको ईजली एब्जॉर्ब करेंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे एक हिस्से में वो जो भी सारी सूखी पत्ती, कुछ ग्रीन लीफ थी, जो भी था सब कुछ नीचे नीचे मैंने इस तरह से एक मोटी परत के तौर पे बिछा लिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये जो दफ्ती के पीसेस थे, दफ्ती को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, एक हिस्सा वो बिछाया। उसके बाद से अगेन ये जो है सूखी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, कुछ भी है आपके पास, कैसा भी मटेरियल, अगर आपके पास ये पत्ती, ये ग्रीन लीव्स या फिर येलो लीव्स कुछ नहीं है तो आप ये सिर्फ ये जो कार्डबोर्ड है ना, जो दफ्ती का पीस है, इसको बहुत बारीक बारीक कट करके पूरा आप पॉट इससे फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पत्ती होना ही चाहिए। इस तरह से देखिए, फिर एक लेयर मैंने इस तरह से उसकी बिछाई पत्ती की, और उसके बाद एक लेयर ऊपर देखिए दफ्ती। इतना हल्का है कि देखिए इसको पूरा ये 3/4 मैंने इसको फिल कर लिया है, और उसके बाद भी ये इतना हल्का है कि आप इसको एक हाथ से उठा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी कोई बड़ा कंटेनर हो तो आप इस तरह से उनको फिल करें तो एकदम वेटलेस सॉइल बनती है। आप इसको ऊपर से लगाने के लिए देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट जो कि अंदाज से होगी 250 ग्राम के करीब। पालक के पौधे को अच्छा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है इनके सीड्स में, आप जब भी लगा रहे हैं, अगर आप इसको विंटर में लगा रहे हैं तो आप ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉनसून के टाइम यानी बारिश में लगा रहे हैं तो फिर आप इस तरह की जो पत्तियां हैं इनको अवॉइड करके रिवर सैंड का यूज़ करेंगे, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। विंटर हो गया, विंटर का टाइम बहुत बेस्ट होता है पालक लगाने के लिए। इस तरह से देखिए,
दो से तीन हिस्सा मैंने अपने गार्डन की सॉइल ले ली है, और उसके बाद और मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए देखिए ये है कोकोपीट जो कि एकदम हल्की होती है, इसका एक ये इसी मेजरमेंट से मैंने एक हिस्सा ये कोकोपीट ले लिया। अब ये मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी लाइट वेट बनी है जो कि हल्का सा कोकोपीट में एक मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो ये मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखेगी। और बस आप ये तीनों सॉइल मिक्स को वो करिए, जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इस तरह से लगाएंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होती हुई दिखाई देने लगेंगी। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए पूरी खाद जो भी वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह गोबर भी मिला सकते हैं, गोबर में भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो इस तरह से देखिए सबको मिलाने के बाद अब ये उसके ऊपर कवर करने के लिए तैयार है। बहुत पतली सी एक थिन लेयर आपको लगाना है, बहुत मोटा नहीं लगाना है, एक पतली लेयर इस तरह से देखिए लगाते हुए ये जो भी पत्तियां हैं इनको अच्छे से प्रॉपर आपको नीचे ढक देना है। और बस अब इसके बाद ये बहुत ही अच्छा सॉइल मीडिया, आप इससे कितने ही बड़े बैग को ईजली फिल कर सकते हैं, उनको फिल करना एकदम आसान होगा। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा के और अंदर करके अच्छे से दबा लीजिए आप। और ये इसमें आप पालक जब आप लगा रहे हैं तो लगाने के 15 से 20 दिन के बाद पालक के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप उनको तोड़ सकते हैं। एक बार पालक लगाने के बाद 5 से 7 बार आप उनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब जब भी पत्ते बड़े हों आप उनको कट कर लीजिए और उसके बाद दोबारा से उनके जो पत्ते हैं वो फिर से बड़े होने लगेंगे। देखिए ऑलमोस्ट मैंने जो भी ये पत्तियाँ दिख रही थी इन सबको इस तरह से देखिए मिट्टी की एक पतली पतली लेयर लगा के कवर कर लिया। अभी भी मैंने एक हिस्से से ज़्यादा ये पॉट को खाली रखा हुआ है, क्योंकि अगर पॉट मैं एकदम ऊपर तक फिल कर देती तो क्यों मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड करना होगा, तो मिट्टी में मुझे थोड़ी जगह चाहिए। और अभी जब ये सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे तो जो नीचे गार्डन वेस्ट मटीरियल है वो और नीचे दब जाएगा, तो अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा। ये देखिए इतनी ढेर सारी पालक, ये जो खाद बीज भंडार होती है मतलब जहाँ पे गार्डनिंग से रिलेटेड सीड्स वगैरह मिलते हैं, ये इतना बड़ा पैकेट 10 रुपए का मिला है। आप सोच सकते हैं 10 रुपए की पालक के बीजों से आप कितनी सारी पालक उगा सकते हैं। बस ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे इनके सीड्स होते हैं, बस अब आपको इसको मिट्टी में अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। ध्यान ये रखना है बस कोई मैंने इसमें बीच में लाइंस वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपली थोड़ी थोड़ी दूर पे ये सीड्स आपको इस पे अच्छे से डाल देना है। बस जब आप सीड्स डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि एक जगह बहुत करीब 15-20 सीड्स एक साथ ना गिर जाएं, थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपको डालना है इनको। तो इस तरीके से पूरे सीड्स डाल देना है आपको। 4 से 5 दिन के बाद इसका जो भी अपडेट होगा, ये निकलता है नहीं क्या है, सब कुछ शो करूँगी। पालक लगाने के बाद एक प्रॉब्लम आती है कि इसको कहाँ रखें, हमने सीड्स तो लगा दिया लेकिन हम रखें कहाँ। तो क्योंकि अब अक्टूबर का टाइम है, धूप में कोई इतनी हद से ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, शेड वगैरह में नहीं रखेंगे, वरना सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। जब आप इसको डायरेक्ट सन के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो हीट जनरेट होगी, जब गर्मी होगी तो उसके बाद ये सीड्स बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने डाल दिया। अब इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा ये जो तसले में आपने गार्डन सॉइल देखा है वो है, और थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंड्स ये कोकोपीट है। कोकोपीट लेके बहुत एक इसकी थिन लेयर, बहुत पतली सी लेयर हल्का हल्का सा उन सीड्स के ऊपर डाल देना है जिससे ये ढक जाए। बहुत मोटी परत आपको मिट्टी की नहीं लगाना कि आपके सीड्स काफ़ी नीचे चले जाएँ, बस इस तरह से हल्की हल्की आपको एक लेयर लगा देना है जिससे सीड्स ढक जाएं। और बस फिर आप इसको अब डायरेक्ट ही मैं इसको सनलाइट में ही रखूंगी, ऐसी जगह रख रही हूं जहां पे 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक धूप रहती है, तो इस जगह पे मैं इसको रखूंगी।
ये बहुत लाइट वेट है और आप देखिएगा कितनी सारी इसमें से एक पालक निकलती है फ्रेंड्स। मैं बहुत ही कम पैसे में, अगर आपके पास ये कोकोपीट नहीं है तो मूंगफली के छिलकों को पीस के आप उसका पाउडर बना लीजिए, वो भी आपका एज अ कोकोपीट की ही तरह वर्क करेगा। लेकिन मूंगफली के छिलकों को अच्छे से 3-4 पानी से धो लीजिएगा कि नमक वगैरह ना रहे उसमें, तब फिर पीस के पाउडर बनाइएगा। देखिए इस तरह से इसकी पूरी एक थिन लेयर लगा के मैंने सब सीड्स को कवर कर दिया। अब उसके बाद किसी स्प्रेयर की हेल्प से धीमे धीमे आप पानी डाल दें। अच्छा, पहले बार में पानी बहुत अच्छे से आपको डालना है, इससे डाल सकते हैं आप, या फिर आप किसी बॉटल के कैप में अच्छे से होल्स कर लीजिए और उसमें पानी फिल करके अच्छे से इनको मिट्टी को भिगा दीजिए ऊपर से आप। और बस अब इसके बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, देखिए 3 से 4 दिन के बाद जो भी रिजल्ट होगा, जैसा भी होगा, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फिर ये पालक बहुत इजीली आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इस तरह से धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, अब तो सब चीज़ का सीज़न है, कुछ भी आप लगाइए, सब कुछ ईजिली ग्रो हो जाता है। कितना ही बड़ा कंटेनर क्यों ना हो, इस तरह से वेस्ट पत्तों का यूज़ करके आप कंटेनर को अच्छे से फिल कर सकते हैं। देखिए सारी मिट्टी को मैंने अच्छे से भिगो दिया, बस अब इसको मैं एक साइड में शिफ्ट करूँगी। इसको मैंने जहाँ पे रखना है फ्रेंड्स, वहाँ पे रखने के लिए 2 ईंटा रख के उसके ऊपर इसको इस तरीके से रख दूँगी। मेरे गार्डन में बहुत सारे पालक है, पालक के तो मैंने अभी लगाए, लेकिन ब्रिंजल, टोमेटो, हरी मिर्च सब कुछ लगी हुई है, सारी मेरी ऑर्गेनिक रहती है जो मैं अपने खाने में यूज़ करती हूँ। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलते चलते देखिए आपको अपने बैगन का अपडेट दिखा दूँ। अब ये हार्वेस्टिंग के लिए एकदम रेडी है, ये 3 साल पुराना पौधा है जिससे ना ना करके मैंने 50 से 60 बैगन इसमें से हार्वेस्ट किए और अभी भी इसमें लगातार फूल बन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।